तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम और आप देख रहे हैं बहुजन यूट्यूबर। तो आज की खबर जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। आज की खबर जो है मध्य प्रदेश के मुरैना से जुड़ी हुई है। तो खबर को मैं आपको विस्तार से समझाऊं, इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरे हौसला जो है बढ़ सके। तो सबसे पहले पूरा मामला समझ लीजिए, पूरा मामला क्या है। दरअसल मुरैना मध्य प्रदेश में एक गाँव आता ललौर खुर्द, जहाँ पर जो रेलवे लाइन पुलिया का निर्माण चल रहा था, जहाँ पे सौरभ पुत्र रमेश की मृत्यु हो जाती है। अब रमेश की मृत्यु क्यों हो जाती है मैं आपको बता दूं। वो जो है काम कर रहे थे रेलवे लाइन की, जो पुलिया बन रही थी वहाँ पे जो ठेकेदार की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये खबर जो बहुजन समाज पार्टी तक पहुँचती है तो बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिमंडल 1 जून को जो है कलेक्टर मुरैना से मिलता है। मुरैना मध्य प्रदेश से मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रतिमंडल समस्त मांगे रखता है कि जो वो मजदूर था उसको इंसाफ मिले। सबसे पहले मैं आपको एक ज्ञापन दिखा रहा हूँ जो बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर मुरैना को दिया। आप मेरे साइट में एक ज्ञापन देख सकते हैं और ज्ञापन को यदि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ज्ञापन में समस्त मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ज्ञापन में क्या लिखा था। दरअसल सौरभ पुत्र राम नरेश की मृत्यु जो है रेलवे कार काम करते हुए पुलिया जो बन रही थी रेलवे की उसमें काम करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो है पूरा का पूरा जिम्मेदार वहाँ के जो ठेकेदार हैं वो रहते हैं। तो ठेकेदारों के खिलाफ जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतिमंडल पहुँचता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिमंडल में जो मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे होते हैं वो होते हैं रमाकांत पिप्पल जो कि प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश हैं। और यदि मैं आपको दूसरा नाम बताऊँ तो विद्याराम कौशल जी, भीमसेन पहाड़िया जी जो कि जोन इंचार्ज हैं मुरैना मध्य प्रदेश देश के। और आपको तीसरा नाम मैं बता दूं, बैजनाथ बौद्ध जी, दीपेंद्र बौद्ध, विजय सोलंकी, दीपक टैगोर और विनय सैमल आदि जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्टर महोदय से मुरैना मिलकर अपनी समस्त मांगों को मनवाने के लिए मिलते हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रतिमंडल मुरैना के जो कलेक्टर महोदय उनसे मिलता है। तो एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। है बीएसपी के जो कार्यकर्ता वो किस मुद्दे पर उनसे मिली है? घटना जी लालौर की है, वहाँ पर जो हमारा सौरभ जो लड़का है उसकी वहाँ पे तालाब में मृत्यु हुई है गड्ढे वड्ढे में। और वहाँ पर जो ठेकेदार उनसे काम करा रहे थे उनकी लापरवाही की वजह से उसको समय पर कुछ इलाज भी नहीं मिला और वहीं पड़ा रहा, उसकी हत्या हो मर गया वो। तो उसकी तरफ से आज ये आवेदन दिया एसपी महोदय को, इसकी निष्पक्ष जाँच होकर और जो ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए वो विधिवत कार्रवाई, इसको लेकर सभी लोग जो गांव निवासी इनके साथ जो आपकी इस मुद्दे पर जो प्रमुख मांग है वो क्या रही है? मांग ये है कि उसके ऊपर FIR होना चाहिए, जो जोशी है इसके ठेकेदार जो भी उसका प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा भाई आपकी कैसी लापरवाही रही, आपने कैसा काम कराया साइट पर, क्या वो एक मजदूर की वहाँ पर मौत हो गई और आप उसको छोड़कर भाग गए। मुझे इसमें है भाई ग्रामीण वासी की तरफ से ये पूरी मांग है अभी जी, हम लोग साथ में हैं क्योंकि यहाँ पे हर गरीब के साथ में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। अभी आपने एक वीडियो देखा, वीडियो में जिन्हें आप बोलते हुए देख रहे थे वो रमाकांत पिप्पल थे प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। उनकी समस्त मांगों को आपने सुना और एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं, उनकी मांगें थी कि जो दोषी ठेकेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको जो है जल्द से जल्द अच्छा सा मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उसके परिवार को जो है थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आया हो तो एक अपनी प्रतिक्रिया एक कमेंट जरूर रख दीजिए। तो इस तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।